अब 72 घंटे बाद तय होगा कि केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख का लीवर ट्रांसप्लांट किया जाए या नहीं। विलासराव देशमुख चेन्नई के ग्लोबल अस्पताल में भर्ती है। केंद्रीय साइंस और टेक्नोलॉजी मंत्री विलासराव देशमुख की हालत स्थिर बनी हुई है। देशमुख की किडनी और लिवर खराब होने की शिकायत है। इससे पहले विलासराव देशमुख का इलाज मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में चल रहा था। तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर कल रात उन्हें एयर एम्बुलेंस से चेन्नई लाया गया। ये भी खबर है कि देशमुख को लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। 67 साल के विलासराव देशमुख पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं और इलाज के लिए 2-3 बार विदेश भी जा चुके हैं। संदीप चौधरी, इंडिया टीवी।